गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन. सो आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 1 गेटिंग स्टार्टेड क्लास 3 कंप्यूटर सब्जेक्ट. सो इन दिस चैप्टर चैप्टर 1 इट इज गेटिंग स्टार्टेड. द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन हियर. द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स, लर्न हाउ टू ओपन एंड शट डाउन अ कंप्यूटर, appreciate the uses of computer. So first question is, what is computer? A computer is an electronic machine which takes questions, processes it and gives us a meaningful answer. So computer is an electronic machine because it runs on electricity and it works like just we give them question, then it process and then gives us a meaningful answer. For example, 1 + 1 = 2. So these are input, this is a question, and here the addition is the process. The process is addition and it gives us result, the answer, that is 2. These are our question, this is process, it means we are doing here addition process and it gives us a meaningful answer, that is 2. So we tell that computer works in 3 steps. First, we give it input. Second, process. And third, it gives us output. Normal example, जैसे हम लोग ले सकते हैं. Example is just we are making a chapati, roti बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? We are taking flour. हम लोग आटा लेते हैं ना, flour लेते हैं and water लेते हैं. And process होता है, process क्या होगा? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इट गिव्स अस आउटपुट. आउटपुट में क्या मिलता है? चपाती मिल जाता है, ठीक है? तो हमारे पास जो रोटी है वो तैयार होता है. तो सिंपल यहाँ पे इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है. एग्जांपल हम लोग लें तो जैसे हमें रोटी बनानी है तो हम लोग क्या इनपुट ले रहे हैं? फ्लोर एंड वाटर. प्रोसेस में हम क्या रखेंगे? प्रोसेस में हमारा जो वाटर एंड फ्लोर है, आटा जो है ये मिल करके एक डव बनाया एंड देन आफ्टर दैट वी विल गेट अ चपाती, ठीक है? तो हम लोग को यहाँ पे रोटी मिल गया, ये हमारा था. आप इसको लिख भी सकते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, दिस इज योर डेफिनेशन, एंड इट वर्क्स इन 3 स्टेप, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन जा रहा है उस पर जो प्रोसेस हो रहा है, और ये हमारा आउटपुट हो गया. सो योर फर्स्ट एक्टिविटी इज हियर, आपका ये फर्स्ट एक्टिविटी है. यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डॉट्स जो है ना इसको मैच करते हुए ये कंप्यूटर ड्रॉ करना है, ठीक है? इफ यू वांट टू कलर दिस एक्टिविटी यू डू, यू टेक एनी कलर एंड देन देयर इज अ आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स. डोगोस फादर गिफ्टेड हिम अ डैश. सो डोगोस फादर गिफ्टेड हिम अ कंप्यूटर, ओके? द आंसर इज कंप्यूटर. ओके, हियर इज आल्सो द डेफिनेशन इज रिटन, व्हाट इज कंप्यूटर, डेफिनेशन इज हियर. नाउ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड द आंसर्स आर गिवन हियर. गेम्स, मूवीज, सॉन्ग्स, इंफॉर्मेशन, ड्रॉ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1, अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू प्ले, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू प्ले गेम्स. ओके, सो आवर फर्स्ट आंसर इज, आवर फर्स्ट आंसर इज, वी यूज कंप्यूटर टू प्ले गेम्स. ओके, सेकेंड इज, We can listen to dash on computer. क्या सुन सकते हैं? Listen क्या सुनना है? Listen करना है, सुनना है. क्या सुनते हैं हम लोग? सुन सकते हैं songs. C. We can search. हम लोग बहुत सारे चीज़ आज के मोबाइल में घर भी देखते हैं. Our parents or our simply we are searching different many things. So we search information on computer. We search information. Information. D. वी कैन वॉच डैश ऑन कंप्यूटर. वट वी वॉच, हम लोग क्या देख सकते हैं? जस्ट लाइक टेलीविजन हम देखते हैं, मूवीज प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं, तो वी कैन वॉच मूवीज. हम लोग वहां पे मूवीज देख सकते हैं कंप्यूटर पे भी. वी कैन ऑल्सो डैश पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर. पिक्चर्स क्या कर सकते हैं? हम लोग उस पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग इतने सारे वर्क है, दिस आर द वर्क ऑफ कंप्यूटर. वी प्ले गेम्स, वी लिसन सॉन्ग्स, वी सर्च इंफॉर्मेशन, we watch movies and we also able to draw.
there are some other works like we also do typing work in computer. ये typing भी हम कर सकते हैं ना, typing भी हम लोग कर सकते हैं. Okay, next is now we are coming in the parts of computer. So parts of computer, the first part is keyboard. First part is a keyboard. ठीक है. So this is the answer of activity. Okay. So parts of computer. Parts of computer. First part is keyboard. It is very important part of computer because whatever you are typing, the typing work basically we do it do typing work with this keyboard. And just for example, in second line, Dobo. Dad, I use my dash to write, hold things, and to place food in my mouth. So, which part we use? We use hand to write, to hold, or to place food in our mouth. Okay. So, same as in computer, the keyboard is used as a hand. So, what is the use of computer? We use computer. We use keyboard to type numbers and letters. Give instruction and commands to computer. So whatever you are typing, whatever you are giving instructions to computer with the help of keyboard. So we use it, type numbers and letters, give instructions and commands to the computer. Okay, so second part is monitor. Our second part of computer is monitor. Monitor is look like a television. बिल्कुल television की तरह दिखता है. और whatever you type, whatever you draw, we see in the monitor. Okay, so its use is given here. It displays whatever we type. It has an on-off button, just like a television. It has also known as visual display unit, VDU. It is a visual display unit. A monitor looks like a TV screen. Now, one more activity is here in page number 5. In page number 5, activity is here. Name the device that resembles the computer monitor. Here clue is given. You usually find this device in your home. So simple. It is TV. So activity, page number 5. First activity answer is TV. Okay. Next activity is you have to give answer yes or no. Do you remember the name of all the students of your school? Is it possible? Yes. Then tick on yes. If no, then tick on no. Can you recall phone numbers of all the students of your class? क्या आप अपने क्लास के सभी बच्चों का नंबर याद कर सकते हो? If yes, आपको लगता है, तो yes करोगे? No, then no. Tick करना है. Do you remember the multiplication table till 100? If you know the table 1 to 100, then tick on yes option. Otherwise, no. Okay. Now the last line. Which part of your body help you to remember everything? आपके बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको बिल्कुल हर एक चीज याद रख सकते हैं जिसके थ्रू? यस ऑफ कोर्स इट इज आवर ब्रेन. सो आंसर इन क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट फिल इन द ब्लैंक इज आई रिमेंबर एवरीथिंग यूजिंग माय ब्रेन. ओके, पेज नंबर 6. नाउ द मेन पार्ट अगेन दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नंबर 3 इज सीपीयू, सेंट्रल processing unit, and it is also known as brain of the computer. We call CPU, it is a brain of a computer. ठीक है, central processing unit, central processing unit. Okay, so how it helps to computer? It process and perform various operations. ठीक है, जो भी ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जो भी काम इस पे हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अर्थमेटिकल वर्क, मैथमेटिकल वर्क, लॉजिकल वर्क, तो ये सारा चीज जो है इसी ब्रेन में हो रहा है, इन सीपीयू. स्टोर डाटा, ठीक है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत सारे मूवीज है, सॉन्ग्स है, जो हम लोग इस पे स्टोर करके रख सकते हैं. तो कहाँ ये स्टोर होता है? इट इज स्टोर्स इन सीपीयू. सीपीयू जहाँ पे हम जो भी डाटा है, जो भी हमारा म्यूजिक फाइल है, वीडियोज फाइल है, फोटोग्राफ्स है, वो हम उस पर स्टोर कर सकते हैं. एंड it also helps to perform various operations like mathematical operations, logical operations, etc. Okay, it has also two buttons. They are on-off button and
restart button, on off and restart. चलिए next है mouse, next part is mouse number 4. Mouse, okay. So mouse it means what? Simply mouse is yes, of course it looks like a small just like आप लोग बोलोगे ना कि mouse एक चूहे की तरह दिखता है, बिल्कुल just like size और shape में बिल्कुल आपको लगेगा कि वो एक चूहे की तरह है. बट माउस क्या है, माउस कैसा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. विदाउट इसके हम ना बहुत सारा काम नहीं हो पाएगा, बहुत सारा काम आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज पॉइंटिंग डिवाइस. ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस को नाम दिया गया. वन मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, माउस इज ऑल्सो नॉन एज पॉइंटिंग डिवाइस. ठीक है, सीपीयू इज ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सो दीज आर द कॉमन क्वेश्चन, वन मार्क्स क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अ माउस इज यूज्ड. Why we use mouse? Because it is easy to use. It is easy to use. Increase speed and make selection easier. We select anything, any folder, any file. Okay, and it reduce the task of remembering as well as typing the commands. So remembering the command in sense, पहले क्या होता था कि हम लोग हर एक command जो है ना mouse से आने से पहले, जब mouse नहीं था, keyboard से सारा कुछ क्या होता था, type करके हम लोग क्या करते थे, जो भी कमांड्स देने हैं उसको हम लोग टाइप करके हुआ करता था. बट आफ्टर जब इन्वेंशन ऑफ माउस, ये क्या हुआ कि ये सारा कुछ इजी हो गया. बट हम लोग अब क्या कर रहे हैं, सारा कुछ क्लिक कर रहे हैं, ओपन हो जा रहा है. डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, ऐसे करके हम लोग ओपन कर सकते हैं. सो इट हैज थ्री बटन्स, लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन एंड स्क्रॉल बटन. तो लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन एंड स्क्रॉल बटन, ये इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए. तो ये एक अगर हम माउस का एग्जांपल ले रहे, देखो माउस ये है, यहाँ पे स्क्रॉल है, दिस इज राइट, राइट माउस बटन, दिस इज लेफ्ट माउस बटन एंड दिस इज स्क्रॉल. स्क्रॉल पर टू स्क्रॉल पेज अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है, स्क्रॉल पेज अप डाउन वी यूज स्क्रॉल बटन एंड लेफ्ट एंड राइट. देर आर थ्री बटन, राइट, स्क्रॉल एंड लेफ्ट. ओके, वन मोर एक्टिविटी इज हियर एंड इन दिस फिगर यू हैव टू कलर. Clues are given here. Color the left mouse button red. Left mouse button red. Color the right mouse button blue. Color the screen scrolling button yellow. And color the body of mouse pink. And color the mouse pad green. ठीक है, इसको ग्रे करना है. ये बॉडी हो गया पिंक, रेड, ब्लू एंड येलो. ठीक है, नेक्स्ट पेज. There is hands-on activity. You do this activity in your lab. So here you have to write the number of computers in your lab. Now next is page number 8. Let us play. Okay. Complete the crossword puzzle using the hints given below. There are hints are given. We have to complete the puzzle. Okay. So first question across. First question is, I am an electronic device. I am an electronic device. Yes. Number one answer is computer. ठीक है. Number two, I am a pointing device. Pointing device, mouse. Number three, you can type using me. Type using me. Type कैसे करेंगे? किसके use लेंगे हम लोग? Yes, we use keyboard. Keyboard. Number four. I am the brain of a computer. Brain of a computer, it is CPU. 5. I look like a TV screen. I look like a TV screen. I am monitor. M-O-N-I-T-O-R. Okay. Just remember the spelling. M-O-N-I-T-O-R. Okay. And board spelling. B-O-A-R-D. Not B-O-R-D. Spelling monitor. M-O-N-I-T-O-R. Not T-E-R. Okay. B-O-A-R-D-T-O-R. ठीक है, ये एक माइनर है जो गलती हो जाती है, तो इस पे ध्यान देना है. टी ओ आर लिखना है और यहाँ पे बी ओ ए आर डी. ठीक है, इसका आप लोग गलती करोगे, इसलिए इसको स्पेलिंग अच्छे से क्लियर करना. ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका यहाँ पे. तो इस पे आप लोगों को कुछ एक्टिविटी ये है कि आप लोगों को क्राउन बनाना है. क्राउन क्या है, क्राउन बनाएंगे, सिंपल क्राउन ऐसा रहेगा. आप लोग चार्ट पेपर यूज कर सकते हो, यूज चार्ट पेपर जैसा भी आप लोगों को डिजाइन बनाना है. क्राउन आप लोगों को पता है ना, सर पे जो पहना जाता है. तो यहाँ पे क्राउन जो है, यहाँ पे बनाने के बाद आपको कोई भी पार्ट, चाहे वो माउस हो, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, सीपीयू हो,
इसमें क्या करना है, उसका फिगर आपको पेस्ट करना है, जस्ट लाइक आई एम पेस्टिंग योर मॉनिटर। ठीक है, एक ही बनाना है और कोई भी एक पार्ट आपको यहाँ पे पेस्ट करना, चाहे वो ड्रॉ करके करो या प्रिंट करके करो। तो मॉनिटर ये बन जाएगा, ये आप लोगों को यहाँ पे एक्टिविटी से रिलेटेड एक्टिविटी आपको क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो ये मॉनिटर है, ठीक है, ये आपको ग्राउंड बनाना है और इसके जो भी पार्ट है जो आपको पसंद है उसमें आप ले सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू स्विच ऑन, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ वी स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑन, ओके, स्विच ऑन कंप्यूटर, स्विच ऑन कंप्यूटर। सो फर्स्ट प्रेस ऑन ऑफ बटन ऑफ यूपीएस और पावर बटन और मेन पावर बटन। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर को ऑन करना है तो पहले तो हमने ये पढ़ा है कि इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो ये हम सिंपल सी बात इलेक्ट्रिसिटी पे चलना है, तो पहले हम क्या करेंगे, पावर बटन ऑन करेंगे, या यूपीएस है तो यूपीएस ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड स्टेप है हमारे पास, आफ्टर प्रेसिंग द मेन पावर सोर्स मेन पावर बटन, यू जस्ट ओपन प्रेस ऑन ऑफ बटन ऑफ सीपीयू। ठीक है, सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, सीपीयू ऑन ऑफ बटन हम लोग प्रेस करेंगे। थर्ड प्रेस ऑन ऑफ बटन ऑफ मॉनिटर, ये हो गया। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, पावर बटन ऑन करना है, देन सीपीयू एंड देन मॉनिटर। देखिए मॉनिटर ऐसा नहीं कि हर बार ऑफ ही रहे, मॉनिटर को पहले देख लो ऑन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑन नहीं हो रहा है तो आप लोग फिर उसको ऑन करोगे। ठीक है, तो ये थ्री स्टेप्स हैं जो हमें क्या करना है, टू स्विच ऑन कंप्यूटर, स्विच ऑन कंप्यूटर वी यूज फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। ओके, अभी तो ऑन तो हो गया, अभी जैसे ऑन होगा आप लोग देखोगे फर्स्ट स्क्रीन जो भी आएगा, जहां पे हम लोग आइकन्स देखेंगे, छोटे छोटे आइकन्स पिक्चर बने हुए रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप, द फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर स्विच ऑन द कंप्यूटर इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। ठीक है, अब इतना ही जानिए, तो स्विच ऑन द कंप्यूटर हो गया, कैसे स्विच ऑन करना है ये हम लोग देख लिए, अब इसको ऑफ करने का तरीका देखना है, ऑफ कैसे करेंगे ये स्टेप आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, और स्टेप से करेंगे अदरवाइज क्या हो सकता है, कंप्यूटर खराब हो सकता है, इस बातों का ध्यान रखना है। सेकंड है हमारे पास, नाउ हाउ टू स्विच ऑफ कंप्यूटर, कैसे ऑफ करना है, स्विच ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नाउ फर्स्ट स्टेप आफ्टर जस्ट स्विचिंग ऑन कंप्यूटर, यू देयर इज अ शॉर्टकट, यू वन शॉर्टकट इज गिवन देयर, यू प्रेस alt एंड F4, ओके, तो दिस इज द शॉर्टकट की, Alt एंड F4, वेयर दिस कीज आर प्रेजेंट, दिस कीज आर प्रेजेंट इन योर कीबोर्ड, इन कीबोर्ड जस्ट बॉटम साइड देयर इज अ Alt एंड अपर साइड देयर इज अ F4 की, F1, F2, F3, F4 एंड दिस इज Alt, एंड हाउ यू सेट ऑन द कंप्यूटर, प्रेस, ओके, प्रेस दिस Alt एंड F4, ठीक है, एक साथ करना ही है, Alt F4 एक साथ करना है। ठीक है, Alt F4 करेंगे एंड देन एंटर, Alt F4 ये एक साथ करना है और फिर एंटर करना है, ये आपका शॉर्टकट की है, एक दो बार प्रैक्टिस के बाद आपको हो जाएगा ये। चलिए हम स्टेप पे आते हैं, हम लोग नाउ स्टेप वन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टेप टू क्लिक ऑन शट डाउन ऑप्शन। ठीक है, सो फर्स्ट यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन शट डाउन ऑप्शन, बट इन योर कंपबुक इट इज गिवन डिफरेंटली, सी, so first click on start button
एंड देन टर्न ऑफ, ठीक है, टर्न ऑफ। सो बेसिकली देर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे हमारे आपके घर में हो सकता है विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10, ठीक है। तो 7, 8 और 10 इनका जो व्यू है, जो देखने का है, जो आप ओपन करोगे तो सभी का अलग अलग होता है, उस पर कंफ्यूज नहीं करना है। तो 7 पे 8 पे और 10 पे जब भी आप ओपन करोगे ना, तो आपको स्टार्ट जो है, स्टार्ट विंडो, विंडो की तरह आपको ऐसे बना हुआ दिखेगा, जो कहाँ पे रहेगा, स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे, ठीक है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ये स्टार्ट बटन है, ठीक है। ये स्टार्ट बटन पे जाना है, ये विंडो 7 के लिए स्टार्ट बटन पे जाएंगे एंड शट डाउन पे क्लिक करेंगे। आपके जो बुक में दिया हुआ है वो विंडोज XP थोड़ा पुराना वर्जन का है, तो यहाँ पे XP में भी हम लोग वही करेंगे। XP में क्या दिया हुआ, आपके बुक में जो दिया हुआ है ये है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन टर्न ऑफ, टर्न ऑफ ऑप्शन इज हियर, टर्न ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, एंड देन टर्न ऑफ ऑप्शन इज गिवन हियर, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर हैविंग 3 ऑप्शंस, डायलॉग बॉक्स, ये टर्न ऑफ ऑप्शन, यू क्लिक ऑन द टर्न ऑफ ऑप्शन एंड सिस्टम विल बी शट डाउन, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर प्रेसिंग द शट डाउन, स्टेप 3 स्विच ऑफ मेन पावर सोर्स, स्विच ऑफ भी कर देना है, ऑफ हो गया हमारा, शट डाउन हो गया, स्टार्ट बटन, शट डाउन एंड देन स्विच ऑफ द UPS और मेन पावर सोर्स, ये ऑफ भी कर देना है, ठीक है, ये तीन हमारा काम हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये जनरल थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज रखना है कि आपके घर में कौन सा है। देखिए विंडोज 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है, जो लेटेस्ट है अभी, ठीक है, ये लेटेस्ट है अभी, इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, बट आपको ये नॉलेज रखना है कि आपके घर में अगर कंप्यूटर लैपटॉप है तो उसमें कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, 7 चल रहा है, 8 चल रहा है या 10 चल रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्विच ऑफ कंप्यूटर, हाउ टू स्विच ऑफ कंप्यूटर। ओके, नाउ पेज नंबर 10 देयर इज एक्टिविटी, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट वेरियस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। बहुत सारे अप्लायंसेस हमारे घर में, आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, तो बहुत सारे, मिक्सर है। फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोगों को प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए टेबल बना हुआ है, इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, ओके। वॉशिंग मशीन कैसे होगा, काम कैसे करेगा, स्विच ऑन द मेन पावर, जी हम लोग क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन में पहले स्विच ऑन करते हैं, देन प्रेस द ऑन बटन ऑफ द मशीन, ठीक है। सेकेंड है माइक्रोवेव कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप है, देखो पहले क्या करते हैं माइक्रोवेव के लिए, स्विच ऑन द मेन पावर, जैसे हमने वॉशिंग मशीन में किया, इसमें भी तो हमें क्या करना है, स्विच ऑन द मेन पावर पहले ऑन करना है, एंड देन थर्ड स्टेप इज गिवन, प्रेस द स्टार्ट बटन ऑन द फ्रंट पैनल। नाउ जूसर, स्विच ऑन द मेन पावर एंड देन प्रेस द ऑन बटन, जूसर में भी ऑन बटन तो हो गई, तो ऑन करेंगे हम लोग, वो जूसर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रेस द ऑन बटन इज द आंसर। टेलीविजन अगेन, विच स्विच ऑन द मेन पावर, स्विच ऑन द मेन पावर, टेलीविजन देखना है तो स्विच ऑन करेंगे, देन प्रेस द ऑन बटन। ओके, डू यू फाइंड एनी स्टेप्स कॉमन, क्या कोई स्टेप कॉमन आया, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, जूसर एंड टेलीविजन में क्या कोई कॉमन है, बिल्कुल है, स्विच ऑन द मेन पावर, तो यहाँ पे आप लिख लोगे ब्लैंक पे स्विच ऑन द मेन पावर, ठीक है। ओके, हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, स्टेप्स यू फॉलो टू स्विच ऑन कंप्यूटर, स्विच ऑन करने के लिए अभी हमने जो स्टेप्स किया वो यहाँ पे लिख लेना है, स्टेप्स टू स्विच ऑन कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 12 एक्टिविटी, यू हैव टू रीअरेंज these options, first is switch on the computer and shut down the computer, so steps are given here but they are not correctly ordered, तो आप लोग को order करना है इसको, कौन सा correct form में आएगा देखते हैं, press the on off button on monitor, no ये तो step नहीं हुआ, switch on the main power button, हाँ ये first होगा, switch on the main power button, पहले हम लोग switch on करेंगे, second step क्या होगा, press the on off button on CPU, तो फिर second हो जाएगा step हमारा CPU, and press the on off button on monitor, third, ये 3 step हो गया, तो इसमें लिखना क्या है, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
सेट डाउन द कंप्यूटर, शट डाउन कैसे करना है, क्लिक ऑन द टर्न ऑफ, नो डायरेक्टली तो पहले टर्न ऑफ नहीं करेंगे, पहले हम क्या करना है क्लिक ऑन द स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट किस में लिखना है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन द टर्न ऑफ कंप्यूटर, स्विच ऑफ द यूपीएस और पावर सोर्स, ठीक है। तो उसका स्टेप क्या जाएगा, ऑर्डर 2 3 1, 2 3 1। नाउ लास्ट असेसमेंट एक्टिविटी, क्विज टाइम, गेस हु एम आई, आई स्टोर ऑल द डेटा इन अ कंप्यूटर। मैं क्या करता हूँ, जितने भी डाटा है ना वो स्टोर करता हूँ। कौन स्टोर करता है ये सारा डाटा, वो करता है सीपीयू। नंबर वन इज सीपीयू, यू के आंसर इसका, इट स्टोर डाटा। आई डिस्प्ले वट एवर यू टाइप, मैं डिस्प्ले करता हूँ। कौन डिस्प्ले करता है, जो भी आप टाइप कर रहे हो, मॉनिटर। नंबर थ्री, यू कैन प्ले गेम्स ऑन मी, गेम्स किस में हम लोग खेल सकते हैं, कंप्यूटर पे खेल सकते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। ओके, यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर यूजिंग मी, ठीक है, मेरे थ्रू इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। कौन है, कौन सा पार्ट है, इट इज कीबोर्ड। ओके, आई एम इजी टू यूज, मैं बहुत इजी हूं यूज करना, मुझे यूज करना बहुत आसान है, वो है माउस। नाउ प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर, अब देखिए चीज याद रखिएगा, जो प्रोसेस है जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो ऑन करने से जब वो डेस्कटॉप पे आता है, उस वहां तक का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस, BOOTING। जो हमारा प्रोसेस है स्विच टू स्विच ऑन कंप्यूटर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। नंबर सिक्स, बूटिंग, ठीक है, ये हो गया हमारा असेसमेंट एक्टिविटी। नाउ हैंड्स ऑन, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्विच ऑन द कंप्यूटर, ऑन करना है एंड राइट द स्टेप्स, और जो भी स्टेप स्विच ऑन करने में जो भी स्टेप आए ना, उनको आपको यहाँ पे लिखना था, नंबर वन। नंबर टू, शट डाउन द मशीन, अब आपको शट डाउन करना है, राइट द स्टेप्स यू फॉलो टू शट डाउन इन द कंप्यूटर। तब आप जो शट डाउन किए उसके लिए भी स्टेप्स आपको लिखने हैं इस हैंड्स ऑन में, क्लियर है। तो इसमें ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, बिल्कुल आपको आराम से समझना है, प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है, प्रैक्टिकल जो है आपका वो आपको आना चाहिए। प्रैक्टिकल अगर अच्छा रहेगा तो थ्योरी खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, तो उस पर ध्यान देंगे। व्हाट इज कंप्यूटर, कुछ क्वेश्चन हमने बताया उसको ध्यान देना है, असेसमेंट एक्टिविटी कंप्लीट करना है, और कंप्यूटर ऑन करना ये देखिए, और उसको ऑफ करना, ये स्टेप से करेंगे, अदरवाइज कंप्यूटर क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हुआ, इसको आप कंप्लीट करेंगे और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।